अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, दिस इज योर बायोलॉजी क्लास। वी स्टार्टेड अ चैप्टर नंबर 10, दैट इज गैशियस एक्सचेंज। टुडे इज आवर लेक्चर नंबर 10 एंड आवर टॉपिक इज रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स। उसका आज सेकंड डिसऑर्डर हम डिस्कस करेंगे, दैट इज एम्फिजमा। प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया था किसको, ब्रोंकाइटिस को। आज हम डिस्कस करेंगे एम्फिजमा को। तो एम्फिजमा क्या है? एम्फिजमा इज बेसिकली, सबसे पहले तो रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स के रेस्पिरेटरी का क्या मतलब है? रेस्पिरेशन मतलब सांस लेने का अमल, जैसे हम लेते हैं तनफ्फुस। ओके, डिसऑर्डर क्या? बेतरतीबी या डिजीज, ठीक है। हमारी सांस लेने के प्रॉब्लम के लिए, हमारी सांस लेने के जो वेज हैं उनमें जो प्रॉब्लम्स आती हैं उनको हम डिस्कस कर रहे हैं। एम्फिजमा क्या होता है कि डिस्ट्रक्शन ऑफ द वॉल्स ऑफ एल्वियोलाई। हमने क्या पढ़ा था प्रीवियस लेक्चर में कि ब्रोंकाई देन इट डिवाइडेड इनटू ब्रोंक्यूल्स एंड द ब्रोंक्यूल्स फर्दर डिवाइडेड इनटू अ स्मॉल ब्रांचेस दैट आर कॉल्ड एल्वियोलाइज। ओके, तो एल्वियोलाइज क्या है? दीज आर बेसिकली द क्लस्टर्स ऑफ पाउचेस। ये एक नॉर्मल एल्वियोलाई मैंने ड्रॉ की है, ठीक है। और ये क्लस्टर ऑफ पाउचेस हैं जिनको हम एल्वियोलाई कहते हैं। तो बेसिकली होता क्या है कि ये जो एक नॉर्मल एल्वियोलाई है, इसकी जो ये वॉल्स हैं, इनमें किसी किस्म की जब प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है ना, जैसे अब हम देखें यहाँ पे कहीं पे भी जो प्रॉब्लम क्रिएट होगी, और उस प्रॉब्लम के क्रिएट होने की वजह से क्या होगा कि जो हमारी एल्वियोलाइज हैं उनका जो सरफेस एरिया है वो कम हो जाएगा। कैसे? अब अगर हम एक नॉर्मल एल्वियोलाई को देखते हैं ना, तो इसके अंदर ये सारी जगह है जहां पे गैशियस एक्सचेंज हो रही है, ठीक है। तो सरफेस एरिया क्या है? सरफेस एरिया एक नॉर्मल एल्वियोलाई के अंदर ज्यादा है, ठीक है। एक नॉर्मल एल्वियोलाई के अंदर गैशियस एक्सचेंज के लिए सरफेस एरिया ज्यादा है, लेकिन जब उसमें डिस्ट्रक्शन हो रही है, जब उसकी एल्वियोलाई की जो वॉल्स हैं वो ब्रेक हो रही है, डिस्ट्रक्शन हो रही है, तो क्या होगा? एज अ रिजल्ट जो उसका सरफेस एरिया है दैट बिकम डिक्रीजेस। सरफेस एरिया क्या होगा? डिक्रीज कर जाएगा, क्योंकि जब आप देखेंगे जब एक जो एल्वियोलाई की वॉल्स हैं जब वो इंफेक्टेड नहीं है, किसी भी कोई भी उसको प्रॉब्लम नहीं है, तो तब तक गैशियस एक्सचेंज क्या है? हर तरह से, हर वॉल से हो रही है, इजीली हो रही है। लेकिन जब वॉल्स ब्रेक हो गई हैं तो क्या होगा? जो सरफेस है वो, जो इसका गैशियस एक्सचेंज का सरफेस एरिया है वो क्या होगा? कम हो जाएगा। कम होगा तो यहाँ से एज कंपेयर टू एक नॉर्मल जो एल्वियोलाई है उसकी निस्बत, जो एक इन्फेक्टेड एल्वियोलाई है ना, वहां पे गैशियस एक्सचेंज कम होगी, ठीक। अब होगा क्या कि जब मॉलिक्यूल्स हमारी एल्वियोलाई से डायरेक्ट कांटेक्ट में है ना, तो यहाँ पे तो हमारे पास एक मतलब एक ज्यादा सरफेस एरिया है ना, इंक्रीज इन सरफेस एरिया है एल्वियोलाइज के अंदर, तो यहाँ पे तो रेस्पिरेशन का प्रोसेस नॉर्मली परफॉर्म हो रहा है। लेकिन जब गैशियस एक्सचेंज प्रॉपरली नहीं हो रही, और तो हमारी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन की जो प्रोडक्शन है वो प्रॉपरली नहीं होगी। कहाँ पे नहीं होगी? हमारे ब्लड के अंदर, ठीक है। ऑक्सीजन जो प्रॉपरली एंटर है वो नहीं होगी, तो एक सिम्टम ये भी आएगा कि पेशेंट के ब्लड के अंदर ऑक्सीजन की जो कंसंट्रेशन है वो प्रॉपर नहीं रहेगी। क्यों नहीं रहेगी? क्योंकि एल्वियोलाइज की वॉल ब्रेक हो चुकी थी, उसके पास पहले जितना सरफेस एरिया नहीं बचा था, इसलिए ऑक्सीजन हमारे ब्लड के अंदर मजीद एंटर नहीं हो सकती थी। सो इसलिए हमारे ब्लड के अंदर ऑक्सीजन की जो कंसंट्रेशन है वो डिक्रीज कर गई, ठीक है। तो देन एज अ रिजल्ट क्या होगा कि जब हम सांस लेंगे, इनहेलेशन करेंगे, तो इनहेलेशन तो नॉर्मली होगी, ठीक है, लेकिन जब एक्सहेलेशन करने लगे, जी, तो हम बात कर रहे थे कि जब हम सांस लेते हैं तो इनहेलेशन तो होगी लेकिन एक्सहेलेशन नहीं होगी। मतलब ऑक्सीजन ब्रोंकाई एंड ब्रोंक्यूल्स एंड देन एल्वियोलाई पाउचेस ऑफ द एल्वियोलाइज के अंदर एंटर हो जाएगी, इनहेलेशन का प्रोसेस हो जाएगा, ठीक है।
ऑक्सीजन, ये एक नॉर्मल जो एलवियोल है ना उसके अंदर मैं आपको बता रही हूँ पहले, ठीक है। इसके अंदर इन्हेलेशन का प्रोसेस होगा, ये नॉर्मल है बिल्कुल, इसके पास काफी ज्यादा सरफेस एरिया है, ये जितनी ज्यादा ऑक्सीजन को लेकर जितनी उसको जरूरत होगी, हमने जो एक कंपैरिजन पढ़ा था तो कितने परसेंट जब हम एक्सहेल आउट करते हैं तो 4% वो हमारी बॉडी के अंदर यूज हो जाती है और हम कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सहेल आउट कर देते हैं बॉडी से, ठीक है, एक नॉर्मल एनुलाइज के अंदर ऐसे होगा। लेकिन एक इन्फेक्टेड के अंदर क्या होगा, इसके अंदर CO2 तो एंटर होगी लेकिन क्योंकि सरफेस एरिया डिक्रीज कर चुका है, ठीक है, तो क्या होगा कि एक्सहेलेशन नहीं होगी, ठीक है, तो एल्वियोलाई जो एयर है ना वो इस एल्वियोलाई के अंदर ही ट्रैप हो जाएगी क्योंकि ये कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स नहीं हो सकते ना, सरफेस एरिया कम हो गया है और ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो सकते, तो एयर क्या होगा इन एल्वियोलाई के अंदर ट्रैप हो जाएगी, ठीक है। एक पहले हमेशा बात याद रखें कि 1.5 लीटर एयर जो है ना वो ऑल द टाइम हमारे लंग्स के अंदर ट्रैप हुई हुई होती है, ठीक है, एक नॉर्मल पेशेंट, एक नॉर्मल पर्सन के लंग्स के अंदर 1.5 लीटर एयर जो है वो ट्रैप हुई होती है, ठीक है। लेकिन जब हम बात करते हैं एक एम्फेजमा से जो इन्फेक्टेड है एल्वियोलाई, तो वहां पे जो एयर है वो लंग्स के अंदर ज्यादा होगी, मतलब 1.5 लीटर से ज्यादा होगी, जो एल्वियोलाइज इम्फेजमा की वजह से इन्फेक्ट हुई हुई हैं उन पेशेंट्स के अंदर एयर क्या होगी एक नॉर्मल पर्सन से ज्यादा होगी, यानी 1.5 से माइट बी पॉसिबल कि वो 2.5 हो, वो कितनी भी हो सकती है लेकिन वो एक नॉर्मल पर्सन से ज्यादा होगी। अब हम अगर इसके सिम्टम्स की बात करें कि जो एम्फेजमा है उसके सिम्टम्स क्या होते हैं, तो आप देखेंगे कि इसमें भी मैंने पहले डिस्कस किया था कि कफ जो है वो सबका कॉमन सिम्टम रहेगा, ठीक है। उसके बाद इसमें भी क्या होगा, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीदिंग ये भी इसका सिम्टम रहेगा कि पेशेंट जब इन्फेस्मा का पेशेंट जब वो करेगा सांस लेगा तो उसको हार्ड वर्क करने के बाद या कुछ भी ऐसा प्रोसेस करने के बाद उसको शॉर्टनेस होगी, सांस लेने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होगी, ठीक है। और जैसे हम बात कर रहे हैं ना कि सरफेस एरिया डिक्रीज कर रहा है, ऑक्सीजन एंटर हो जाएगी एक दफा, ठीक है, लेकिन वो एक्सहेलेशन नहीं कर सकता, तो बॉडी के अंदर क्या होगा ऑक्सीजन की जो प्रोडक्शन है वो लो हो जाएगी क्योंकि वो कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सहेल आउट करेगा तब ही तो वो मजीद ऑक्सीजन को अपनी बॉडी के अंदर ऐड कर सकता है ना, ठीक है। यहां से CO2 बाहर निकलेगी तो मजीद ऑक्सीजन ऐड होगी, लेकिन जब CO2 एक्सहेल आउट नहीं हो रही बॉडी से तो मजीद ऑक्सीजन भी बॉडी के अंदर ऐड नहीं हो सकती, तो क्या होगा एज अ रिजल्ट ऑक्सीजन लेवल जो है वो लो हो जाएगा, ब्लड के अंदर ऑक्सीजन लेवल क्या होगा लो हो जाएगा, ठीक होगा। उसके बाद बहुत सारी सीरियस कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं, क्योंकि जब हमारे पास एस्थमा का जो एम्फेजमा का जो पेशेंट है वो डायग्नोज होता है ना तो उसके जो लंग्स टिश्यूज हैं, जो लंग्स के टिश्यूज हैं वो ऑलरेडी 50-70% डैमेज हो चुके होते हैं। जब एम्फेजमा का पेशेंट डायग्नोज होता है देन उसके जो लंग्स हैं वो 50-70% ऑलरेडी डैमेज हो चुके होते हैं, ठीक है। तो जो रिमेनिंग क्या होगा 50-30% होगा ना रिमेनिंग, तो जो रिमेनिंग होगा वो क्या होगा वो ठीक रह जाते हैं लेकिन वो इतनी ऑक्सीजन नहीं एंटर कर सकते ना ही एक्सहेल आउट कर सकते जितनी एक नॉर्मल जो लंग्स है ना वो कर सकते हैं, यानी वो भी कम ही ऑक्सीजन इनहेल करेंगे। तो इसका एक और रीजन क्या होगा कि इसकी वजह से पेशेंट का जो वेट है वो बहुत ज्यादा लॉस होगा, वेट लॉस बहुत ज्यादा होगा, ठीक। उसके बाद रिकरेंट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन होंगे, मतलब कि बहुत ज्यादा जो रेस्पिरेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स है ना वो पेशेंट फेस कर रहा होगा, ठीक। रिकरेंट रेस्पिरेटरी रिएक्शंस होंगे। अब अगर हम इम्फेजमा के जैसे हमने बात की थी ना ब्रोंकाइटिस का जो मेन रीजन था वो क्या आ रहा था, वो था कि माइट बी पॉसिबल कुछ केमिकल इरिटेंट्स हैं, वो क्या है, वो टोबैको है,
ठीक है। तो अगर हम एम्फेजमा का जो मेन काज देखें, जो हमारी बुक के कुछ आगे वाले चैप्टर्स में लिखा हुआ है, तो वो है स्मोकिंग। स्मोकिंग, कॉन्टिन्यूस स्मोकिंग की वजह से क्या होता है कि हमारी जो एल्वियोलाइज की वॉल्स है ना, वो डिस्ट्रैक्ट हो जाती है, वो ब्रेक हो जाती है, ठीक है। उनके ब्रेक होने की वजह से हम ऑक्सीजन एक दफा तो अपनी बॉडी के अंदर ले जाएंगे, ठीक है, लेकिन अंदर सरफेस एरिया कम होने की वजह से उसको एक्सहेल आउट नहीं कर सकेंगे, ठीक। अब इस टॉपिक में हमने क्या पढ़ा था, पहले हमने कहा कि ये बेसिकली क्या है, डिस्ट्रक्शन ऑफ द एल्वियोलाई वॉल्स हैं, ठीक। एल्वियोलाइज की जो वॉल्स है उनमें ब्रेक डाउन होती है, उसको हम एम्फेजमा कहते हैं। हमने कहा कि जब एल्वियोलाइज की वॉल्स हैं वो ब्रेक हो जाती हैं, तो जो एल्वियोलाई का सरफेस एरिया है एक नॉर्मल एल्वियोलाई की कंपैरिजन में वो कम हो जाता है, ठीक है। कम होगा तो इसके अंदर ऑक्सीजन तो ऐड होगी, लेकिन ये जो ऑक्सीजन ऐड होगी ये इसी सेल्स, इसी जो एल्वियोलाई की वॉल्स है ना, इनके साथ ट्रैप हो जाएंगी। ये इनहेल तो होंगी लेकिन एक्सहेल आउट नहीं होंगी, ठीक है। जब एक्सहेल आउट नहीं हो सकेंगी तो क्या होगा, हमारी जो बॉडी के अंदर ऑक्सीजन का लेवल है वो लो हो जाएगा, ठीक। फिर हमने इसके सिम्टम्स की बात की कि कफ है, एसओबीज है, ऑक्सीजन लेवल कम हो जाता है, सीरियस कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं, ठीक है। उसके बाद वेट लॉस बहुत ज्यादा हो सकता है। फिर जो इसका पेशेंट है, जब वो डायग्नोज होता है ना, तो उसके ऑलरेडी 50-70% जो लंग्स हैं वो डैमेज हो चुके होते हैं ड्यू टू द डिस्ट्रक्शन ऑफ एल्वियोलाइज, ओके। तो ये आज का टॉपिक था। अगर इससे रिलेटेड आपको कोई क्वेश्चन हो तो आप व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।